So a very good evening to all of you. So welcome to Gate Concept. So in this session we will discuss the concept of source free RC circuit. Okay, this is lecture number 1 of source free RC circuit. So previous year हमने previous class के अंदर previous video के अंदर हमने देखा था कि transient analysis के introduction देखा था और उस पर कुछ problems हमने देखे थे. उस पर based कुछ problems को हमने देखा था कि कैसे हम लोग problem को solve करते हैं. ठीक है, तो आज के session में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द सोर्स फ्री आरसी सर्किट. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एवरीवन शुड ज्वाइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल. द लिंक फॉर द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम चैनल इज प्रोवाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच वीडियो लिंक, ताकि हम जब भी कुछ पोस्ट करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, तो एक बार फटाफट शेयर सेशन को शेयर कर देंगे मैक्सिमम ग्रुप में. ओके, और एक बार बता देंगे कि सारी चीजें क्लियर हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो एक बार सेशन को हम लोग शुरू करते हैं फिर. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे, दैट इज द सोर्स फ्री सर्किट. ओके, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट. फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हम क्या समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा, या तो इंडक्टर होगा या तो कैपेसिटर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, तो ओनली वन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट. ओके, ओनली वन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, स्टोरेज एलिमेंट एक ही एलिमेंट होगा. ठीक है, एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा. और हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर होगा. तो इस वाले सर्किट में, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में, सिर्फ एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा, या तो इंडक्टर होगा नहीं तो कैपेसिटर होगा. ठीक है, तो ओनली वन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सोर्स को हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे नहीं. तो इन दिस सर्किट, सोर्स फ्री सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कोई भी सोर्स को कनेक्ट करके रखेंगे नहीं. तो नो सोर्स. ओके, नो सोर्स, no source is present in the circuit, no source is present in the circuit. ठीक है, सर्किट में किसी भी तरह का कोई सोर्स होगा नहीं. तो अब सवाल ये उठता है कि सर, अब किसी सर्किट में अगर सोर्स ही नहीं होगा किसी सर्किट में अगर सोर्स ही नहीं होगा तो एनर्जी को कौन डिलीवर करेगा. तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता है, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर. तो ये जो इंडक्टर या कैपेसिटर होंगे वही एनर्जी को डिलीवर करेगा सर्किट के अंदर. ठीक है, वही एनर्जी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा सर्किट के अंदर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हम लोग देखने वाले हैं, इसमें इसमें सोर्स फ्री सर्किट की हम बात करेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा. ओके, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, आइदर आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर. ओके, आइदर इंडक्टर, या तो इंडक्टर होगा और कैपेसिटर. ठीक है, और कैपेसिटर, या तो इंडक्टर होगा और नहीं तो कैपेसिटर होगा. ठीक है, तभी ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहलाएंगे. और सेकेंड ऑर्डर सर्किट जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आने वाली कुछ क्लासेस में, तो सेकेंड ऑर्डर सर्किट में दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे, एक इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, तब वो सेकेंड ऑर्डर सर्किट कहलाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के अंदर एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे, या तो इंडक्टर होंगे या तो कैपेसिटर होंगे. लेकिन इसमें भी हम क्या बात करने वाले हैं कि सोर्स फ्री की बात करने वाले हैं, कि भी यहाँ पे कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं होने वाला है. ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर, इसमें फिर एनर्जी को डिलीवर कौन करेगा. तो ये जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, चाहे तो इंडक्टर ले लो चाहे कैपेसिटर ले लो, यही एनर्जी को डिलीवर करेगा. ठीक है, सर्किट के अंदर. तो हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा एनालिसिस इस वाले केस में. तो सोर्स फ्री आरसी सर्किट हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है. देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, दैट इज द कैपेसिटर. ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सोर्स जो है वो लगा हुआ नहीं है. इसका मतलब ये फुल्ली चार्ज है. इनिशियली क्या है, ये फुल्ली चार्ज है. अब जैसे टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच क्लोज करेंगे, ये जो कैपेसिटर है एनर्जी को स्टार्ट करना शुरू कर जाएगा, एनर्जी को डिलीवर करना शुरू कर जाएगा. ठीक है, तो बस यही कहानी है. तो यहाँ पर हम एक एजम्पशन मान लेते हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज है, कैपेसिटर के लोगों का जो वोल्टेज है उसे हम लोग मान लेते हैं वी सी टी. और ये मान लेते हैं कि जो इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के लॉन्ग, दैट इज जीरो माइनस पे, वही वोल्टेज कहाँ पे है, जीरो प्लस पे है. ठीक है,
क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टर डजेंट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। ओके, तो जो वोल्टेज जीरो माइनस पे होगा वही जीरो प्लस पे है। तो इनिशियल वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं कैपेसिटर के अलॉन्ग, दैट इज द वी नॉट, दैट इज द वी नॉट, वी नॉट इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वी नॉट इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, तो वी सी जो होगा जीरो माइनस पे वही जीरो प्लस पे होगा, ठीक है, दैट इज द वी नॉट, दैट इज द वी नॉट। अब हम क्या करने वाले हैं, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज करेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज करने वाले हैं, और यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, केवीएल लगाने वाले हैं। अगर तुम यहाँ पे केवीएल परफॉर्म करोगे तो करंट जो है ना वो प्लस टर्मिनल से निकलेगा, ठीक है, ये प्लस टर्मिनल से लीव करेगा, करंट जो है वो प्लस टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा, लीव करेगा। ओके, तो यहां पर अगर तुम केवीएल परफॉर्म करोगे तो इक्वेशन आएगी माइनस ऑफ वी सी प्लस, अब यहाँ का वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट इज वी आर, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, प्लस वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अप्लाई केवीएल, हमने क्या किया, अप्लाई केवीएल इन सर्किट, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें, दैट इज द माइनस वी सी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो। तो माइनस वी सी इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वी सी है इक्वल टू वी आर। ओके, ये हो जाएगा, और वी आर क्या होगा, वी आर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट इज आई इंटू आर, आई इंटू आर, चूंकि अब ये सीरीज सर्किट है तो करंट जितना रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा उतना ही कैपेसिटर में फ्लो करेगा, ठीक है। तो वी सी इक्वल टू हम ले सकते हैं, अब यहाँ पे करंट को लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सर करंट को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे करंट को जो हम लिखने वाले हैं, करंट को जो हम लिखने वाले हैं वो हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी वी बाई डी टी। ओके, क्यों, अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस के करंट की बात करें तो करंट जो है वो प्लस टर्मिनल से लीव कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से करंट की जो इक्वेशन होगी माइनस ऑफ सी डीवी बाई डी टी, क्योंकि ये एनर्जी को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर इस वाले सर्किट में कोई सोर्स नहीं है और टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी है कैपेसिटर वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा, सच दैट करंट जो है वो प्लस टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। तो जब लीव करेगा तो जो करंट होगा, जो करंट होगा कैपेसिटर के अलोंग, उसकी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ सी डीवी बाई डी टी। ओके, तो यहां पर करंट की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, तो यहां पे जो करंट की इक्वेशन हो जाएगी दैट इज द माइनस ऑफ सी डी वी, माइनस ऑफ सी डी वी बाई डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वी सी बाई आर सी, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन हो जाएगा वो डी वी सी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वी सी बाई आर सी हो जाएगा। तो जस्ट इस सर्किट के अंदर क्या हुआ कि एक सोर्स फ्री सर्किट है, इसमें सोर्स हमने कनेक्ट करके रखा नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी एनर्जी है वो कैपेसिटर डिलीवर करेगा, इनिशियली हम मान रहे हैं कि कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज है वो कितना है, वी नॉट है। तो कैपेसिटर डजेंट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ओके, तो जितना वोल्टेज जीरो माइनस पे था उतना ही वोल्टेज जीरो प्लस पे होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो वोल्टेज है वो कितना है, वो वी नॉट है, ओके। तो जितना वोल्टेज जीरो माइनस पे होगा उतना ही वोल्टेज जीरो प्लस पे होने वाला है, दैट इज द वी नॉट। तो इस वाले सर्किट के अंदर हमें क्या लगाना है, दैट इज द केवीएल। तो केवीएल अगर परफॉर्म करोगे तो माइनस ऑफ वी सी प्लस वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस ऑफ वी सी इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर, तो ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे करंट को लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग था कि करंट जो है सर वो माइनस ऑफ सी डी वी बाई डी टी होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे करंट जो है ना वो डिलीवर करेगा, ठीक है, एनर्जी को जो है, जितना एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अलोंग वो एनर्जी को डिलीवर करेगा इस वाले सर्किट के अंदर। तो करंट को हमेशा हम क्या करेंगे, डिलीवर करते हुए दिखाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करते हुए दिखाएंगे। इस वजह से जो करंट की इक्वेशन है अक्रॉस द कैपेसिटर वो माइनस ऑफ सी डी वी बाई डी टी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट था इस वाले सर्किट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट था कि सर आई सी को हम कैसे लिख रहे हैं, माइनस ऑफ सी डी वी बाई डी टी। ओके, और यहाँ जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज ये कैपेसिटर के अलोंग है दैट इज द वी सी। तो यहाँ पर क्या होगा कि वी सी इक्वल टू करंट की जो इक्वेशन है वो माइनस ऑफ सी डी वी बाई डी टी हो गया इंटू आर, और डी वी सी बाई
जो डीवीसी बाई डीटी हो जाएगा वो उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ वीसी बाई आरसी। तो ये इक्वेशन आया, ठीक है, ये इक्वेशन आया डीवीसी बाई डीटी इक्वल टू डीवीसी बाई डीटी, डीवीसी बाई डीटी इक्वल टू माइनस ऑफ वीसी बाई आरसी। अब इसे हमें सॉल्व करके वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इस वाले सर्किट के अंदर यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड वी विल सॉल्व फॉर वी सी, दैट इज डीवीसी बाई वी सी इक्वल टू डीवीसी बाई वी सी इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि इंटीग्रेट करो, ठीक है, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेट करोगे तो डी वी सी बाई वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई आर सी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिमिट भी ले लेते हैं। सपोज करते हैं टाइम का जो लिमिट है वो 0 से कहाँ तक है, टी है, और टी इक्वल टू 0 पे हम ये मान रखे हैं कि जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अलोंग वो कितना है, वी नॉट है। तो किसी भी टाइम पे जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अलोंग वो हम मान लेते हैं वी सी ऑफ टी, वी सी टी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग वी सी, और लिमिट को पुट करना यहाँ पे नहीं बोलेंगे, दैट इज द फ्रॉम वी नॉट टू वी सी टी, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई आर सी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी 0 से टी। तो यहां से माइनस ऑफ लॉग वी नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लॉग ए माइनस लॉग बी हम ले सकते हैं, लॉग ए बाई बी, दैट इज वी सी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, इंटू टी हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं, दैट इज वी सी टी इक्वल टू यहां पर क्या करो, वी सी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। जहां पर वी नॉट क्या है, इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के अलावा, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर किसी भी समय पर क्या आ जाएगा, वी नॉट ए टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाई आर सी इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इन केस ऑफ सोर्स फ्री आरसी सर्किट, ठीक है। इन केस ऑफ सोर्स फ्री आरसी सर्किट कहने क्या मतलब है कि कैपेसिटर के अलोंग किसी भी टाइम पे जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा वी नॉट इंटू इंटू ए टू द पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू किसी भी टाइम पर वी नॉट ए टू द पावर टी बाई टाउ, ठीक है, जहां पे टाउ क्या है, टाउ है आर इंटू सी। तो अभी हम डिटेल्स देखेंगे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टाउ, टाउ का डिफिनेशन क्या होने वाला है, इसको अभी अभी हम देखने वाले हैं। तो किसी भी समय पर जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अलोंग इस इक्वेशन से हम लोग रिलेट करेंगे, दैट इज द वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ओके। रंजन जुर्गे, सर कौन सेमेस्टर का है? सर अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो ये डिप्लोमा की अगर बात करें तो ये 6 सेमेस्टर का है, ठीक है, ये 6 सेमेस्टर का है। अगर डिप्लोमा की बात करें तो 6 सेमेस्टर का है, ठीक है। तो
तो रंजन कुमार कह रहे हैं किस सेमेस्टर का है, तो ये डिप्लोमा की अगर बात करें तो 6 सेमेस्टर में जो नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है उसके अंदर तुम्हें सोर्स ट्रांजिएंट पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट को तुम लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होने वाला है किसी भी टाइम टी पे, वो होने वाला है वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वे टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट, ओके। अब अगर अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें, चलो ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर इस वाले केस में अगर ग्राफ की बात करें वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सर क्या होने वाला है, ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें, तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होने वाला है, देखो, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होने वाला है, वीसी वीसी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, वी नॉट ही मिलेगा। टी इक्वल टू जीरो पे क्या मिलेगा, वी नॉट ही मिलेगा, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे क्या मिलेगा, वी नॉट ही मिलेगा। जस्ट पुट टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से फॉलो होना चाहिए, ठीक है, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से फॉलो होना चाहिए, इस तरह से, ओके। तो ये ग्राफ है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ग्राफ सबको देखने को मिलेगा यहाँ पर, चलो ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं एक बार बताएंगे कि यहाँ तक क्लियर है, ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट दैट इज आर सी। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाउ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाउ पर हम क्या देखने वाले हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाउ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये टाइम है, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लिखेंगे इन परसेंटेज, ये आउटपुट वोल्टेज का कितना परसेंटेज मिल रहा है, सॉरी वी नॉट का कितना परसेंटेज मिल रहा है, वी नॉट इज द इनिशियल वोल्टेज, वी नॉट इज द इनिशियल वोल्टेज, ओके, वी नॉट क्या था, इनिशियल वोल्टेज था, वी नॉट क्या था, इनिशियल वोल्टेज था अक्रॉस द कैपेसिटर, वी नो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो तुरंत चेंज नहीं होता, जितना जीरो माइनस पे था उतना ही जीरो प्लस पे रहेगा, इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर के लोग हमने वी नॉट मान के रखा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली क्या है कि कैपेसिटर फुली चार्ज है, टी इक्वल टू जीरो पे जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिलीवरिंग द एनर्जी, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो यहाँ पे वी नॉट क्या है, इनिशियल वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, वी नॉट क्या है, इनिशियल वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाउ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाउ पे हम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर देखने वाले हैं, और यहाँ पे देखने वाले हैं कि वी नॉट का कितना परसेंटेज होने वाला है, ठीक है, वी नॉट का कितना परसेंटेज होने वाला है, मतलब वी नॉट जो है वो इनिशियल वोल्टेज है, वी नॉट जो है वो इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वैल्यू का कितना प्रतिशत होने वाला है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइम की बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग समय की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टी इक्वल टू टाउ, तो t इक्वल टू टाउ पे क्या होने वाला है, ये टाउ ले लेते हैं, फिर टू टाउ ले लेते हैं, फिर थ्री टाउ ले लेते हैं, फिर फोर टाउ ले लेते हैं, फिर फाइव टाउ ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना मिलेगा, तो जस्ट पुट करो t इक्वल टू टाउ, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, ई टू पावर माइनस वन, और इसको मल्टीप्लाई करोगे वी नोट के साथ, तो ये वी सी जो आने वाला है वो आने वाला है 0.3678। तो कैलसी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो 0.3678 वी नॉट, ठीक है। और परसेंटेज की अगर बात करें कि सर इनिशियल वोल्टेज का कितना परसेंटेज हो रहा है, वीसी जो है इनिशियल वोल्टेज का कितना परसेंटेज हो रहा है, तो ये हो रहा है 36.78%, ठीक है, 36.78%। अब यहाँ पर जैसे ही हम टी इक्वल टू टू टाउ पुट करेंगे, यहाँ पे जस्ट पुट करो टी इक्वल टू टू टाउ, टाउ टाउ कैंसिल हो गया, तो इट इज पावर माइनस टू, इसकी वैल्यू निकाल लो कैलसी की हेल्प से, तो ये आ जाएगा 0.1353, ठीक है, ये आ जाएगा 0.1353
1353 तुम लोग कैलसी से चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट मेरे पास है। और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 13.53%। थ्री टाउ पे जस्ट पुट टी इक्वल टू थ्री टाउ, यहाँ पर जो है टी इक्वल टू थ्री टाउ पुट करो, टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, 8 to the power -3, दिस विल गिव 0.0497, 0.0497 इनटू वी नॉट। तो ये कितना परसेंटेज बनेगा, 4.97%। ओके, 4.97%। फोर्थ टाउ पे 0.0183 वी नॉट, तो ये कितना बनेगा, 1.83%, ठीक है। और फाइव टाउ पे ये बनेगा 6.73 इंटू 10 to the power -3 वी नॉट, और परसेंटेज में कितना आ जाएगा, दैट इज 0.673%। अभी हमने बताया था कि जब टी इक्वल टू इनफिनाइट हो जाएगा तो वहां पे जो वीसी है वो इनिशियल वोल्टेज का लगभग क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक से समझ में आता है कि सर हम टाउ को डिफाइन कर सकते हैं कि सर टाउ का डेफिनेशन क्या हुआ। यहाँ पे लिखेंगे टाउ वो टाइम है, टाउ वो समय है जहां पर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जहां पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज का कितना प्रतिशत हो रहा है, 36.78% हो रहा है, ठीक है। टाउ एक ऐसा टाइम है जहां पे नेटवर्क का जो आउटपुट है वो 36.78% इनिशियल वैल्यू का हो रहा है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड द टाउ। तो यहां पे हम लिखेंगे टाउ के बारे में, दैट इज टाइम एट विच आउटपुट ऑफ ए नेटवर्क रीचेज 36.78% ऑफ इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, दैट इज द टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक समय, एक टाइम जहां पे नेटवर्क आउटपुट कितना प्रतिशत हो जाए इनिशियल वैल्यू का, दैट इज द 36.78%, ठीक है, परसेंटेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि टी इक्वल टू अगर टू टाउ ले तो आउटपुट जो है नेटवर्क का, मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो 13.53% है, ठीक है। लेस देन 5% कब हो रहा है, एट टी इक्वल टू थ्री टाउ, लेस देन 5%। और लेस देन 2% कब हो रहा है, लेस देन 2% कब हो रहा है, फोर टाउ पे, है ना, फोर टाउ पे। यहाँ पे देखो टेबल से दिखेगा कि फोर टाउ पे आउटपुट जो है नेटवर्क का वीसी जो है अक्रॉस द कैपेसिटर का वो लेस देन 2% है। और सेटलिंग टाइम, यहाँ पर एक सेटलिंग टाइम को डिफाइन करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में सर सेटलिंग टाइम कितना होगा। सेटलिंग टाइम दैट इज द 5 टाउ, ठीक है, सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 5 टाउ, क्योंकि 5 टाउ पे जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, या यू कहें कि जो नेटवर्क का जो आउटपुट है वो इनिशियल वैल्यू का कितना प्रतिशत हो चुका है, दैट इज लेस देन 1%, दैट इज 0.673%। तो जब आउटपुट ऑफ ए नेटवर्क या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज का 0% हो जाए लमसम, ठीक है, लेस देन 1% हो जाए, ठीक है, 0 और 1 के बीच लाई करे, तो उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, 5 टाउ, मतलब वो टाइम क्या कहलाएगा, सेटलिंग टाइम। इसके बाद जो है नेटवर्क जो है वो सेटल हो चुका है, इस समय के बाद नेटवर्क जो है वो क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये स्टेडी स्टेट को रीच कर गया है, इनिशियली ट्रांजिएंट वाला बिहेवियर शो कर रहा था फ्रॉम 0 to 5 टाउ। तो 5 टाउ वो समय है जहां पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो गया, इनिशियल वोल्टेज का 0% हो गया, ठीक है, पूरा 0 नहीं बट अबाउट 2 0 हो चुका है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि इस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, सेटलिंग टाइम, ठीक है, इस समय को हम लोग क्या बोलेंगे सेटलिंग टाइम बोलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ तो अगर बताएं, जो भी देख रहे हैं कि सर यहां तक क्लियर हुआ तो अगर बताएंगे कि यहां तक सर क्लियर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि सर ये जो टाइम है,
फाइव टाउ, इसे हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेटलिंग टाइम। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेटलिंग टाइम। ओके चलो आगे की बात करते हैं। तो जो भी देख रहे हैं तो एक बार बताएंगे कि सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे की बात हम लोग करते हैं। ओके दैट इज द कुछ पैरामीटर्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। चलो दैट इज द अदर सर्किट पैरामीटर, दैट इज द अदर सर्किट पैरामीटर। तो करंट की बात कर लेते हैं कि सर इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आईसी जो फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, माइनस ऑफ सी डीवीसी बाई डीटी, यही था। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमने कितना फाइंड आउट किया था, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमने कितना फाइंड आउट किया था, दैट इज वी नॉट ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये तो यहां से क्या करो, वी नॉट को बाहर करो, डी बाई डी नॉट, बिकॉज वी नॉट इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये कॉन्स्टेंट है, तो माइनस ऑफ सी वी नॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये आ जाएगा माइनस वन बाई टाउ। एंड वॉट इज टाउ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, दैट इज द सी वी नॉट डिवाइडेड बाई टाउ ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये आ जाएगा, वॉट इज टाउ हेयर, टाउ अभी हमने देखा था कि सर टाउ क्या है, टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट, दैट इज आर इन टू सी ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, यहाँ पर टाउ क्या था, R into C, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो tau है वो RC है, tau जो है वो क्या है, वो RC है, tau क्या है, वो RC है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CC कैंसिल हो जाएगा, तो V naught divided by R e to the power minus T by tau। ठीक है, तो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ गया, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ गया, दैट इज V naught by R e to the power minus T by माइनस टी बाई टाउ आ जाएगा। तो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाई वी नॉट बाई आर, ओके वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर है, चलो तो अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि सर करंट का इक्वेशन जो आया है, जो करंट आया है, इसका ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा करंट का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है किसका, करंट का, That is I with respect to time t। ठीक है, तो t equal to 0 पे just put t equal to 0 यहाँ पे, तो करंट कितना आएगा, इनिशियल करंट t equal to 0 पे, that is V naught by R, that is V naught by R, that is the V naught by R, okay, that is the V naught by R। तो करंट कितना आ गया, V naught by R, और जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिके करेगा, और फाइनली करंट जो है वो कहीं ना कहीं 5 टाउ पे 0 हो जाएगा, इस तरह से। तो सेम ग्राफ है जैसा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का आया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसा ही ग्राफ है करंट का भी। ठीक है, तो इस चीज़ का केयर करेंगे कि सर करंट का ग्राफ और वोल्टेज का ग्राफ दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है इस वाले केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, दैट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज सी इनटू वी, दैट इज सी इंटू वी। ठीक है, वेयर वी इज द वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। चलो ठीक है, तो किसी भी समय पर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के अलोंग हम निकाल सकते हैं, दैट इज वॉट इज वी सी, वी सी कितना आया था, वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो चार्ज कितना आ जाएगा, किसी भी समय पर चार्ज की हम बात कर सकते हैं, चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर दैट इज सी वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके चलो अब आई की बात कर लेते हैं, दैट इज ये तो हो गया, दैट इज पॉइंट नंबर थ्री, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो जो भी देख रहे हैं तो बताएंगे कि यहां तक क्लियर है सर। चलो कितना हो गया, तो आई की बात कर लेते हैं, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी कितना होगा,
कैपेसिटर के अलोंग, दैट इज यूटी। यूटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के अलोंग, वो होता है सर हाफ सी वी सी टी का होल स्क्वायर, यही होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करो, हाफ सी, ना वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज, अभी हमने देखा है वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, यही हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा तो ई टू द पावर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी बाई टाउ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू टी बाई टाउ, माइनस ऑफ टू टी बाई टाउ हो जाएगा, माइनस ऑफ टू टी बाई टाउ हो जाएगा। और इसको हम लोग और आगे कैसे ले सकते हैं, यू टी इक्वल टू हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टाउ बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है कि सर एनर्जी स्टोर जो हम निकाल रहे हैं कैपेसिटर के अलोंग, उसका जो टाइम कांस्टेंट आया है ना, वो टाउ बाई टू आया है। देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे टू आ गया। और जस्ट हम क्या किए कि हम जस्ट सर किए कि सर इसको हमने लिखा टाउ बाई टू करके, ठीक है। तो जो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन से, तो ये समझ में आता है कि ये जो टाइम है ना, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर हम वोल्टेज की अगर बात करें, या करंट की अगर बात करें, तो करंट के इक्वेशन में जो टाउ था वो टाउ ही था, ठीक है। और अगर वोल्टेज की इक्वेशन की अगर बात करें, तो यहाँ भी क्या था, यहाँ भी टाउ था, ठीक है। तो वोल्टेज करंट के इक्वेशन में टाउ है, बट एनर्जी केस में, वट एवर द एनर्जी इज स्टोरिंग इन कैपेसिटर, वहाँ पे जो टाइम कॉन्स्टेंट आया वो कितना आया, हाफ आया है। तो यहाँ पे जो टाइम कॉन्स्टेंट आया है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया एनर्जी वाले केस में कि सर टाइम कांस्टेंट जो आ गया ना वो टाउ बाई टू हो गया। वो कितना आ गया, टाउ बाई टू। इससे क्या, इसका क्या मतलब है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग ये समझते हैं कि वोल्टेज से ज़्यादा डिके कौन करा, एनर्जी करा। तो अभी किसी एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए कि सबसे ज़्यादा डिके कौन करेगा, एनर्जी करेगा या वोल्टेज करेगा, तो आंसर क्या होगा, एनर्जी करेगा। क्यों, कि उसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, कम हो गया, दैट इज द टाउ बाई टू आ गया। वोल्टेज का टाइम कॉन्स्टेंट कितना है, टाउ है, तो वोल्टेज का टाइम कॉन्स्टेंट टाउ हो गया, एनर्जी का टाइम कॉन्स्टेंट टाउ बाई टू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो ज्यादा डिके करेगा एज कंपेयर टू वोल्टेज। यहाँ पे लिखेंगे कि सर एनर्जी डिके फास्टर देन द वोल्टेज, ओके, एनर्जी डिके फास्टर देन द वोल्टेज, एनर्जी डिके फास्टर, एनर्जी डिके फास्टर देन द वोल्टेज, ठीक है। एनर्जी जो है वो वोल्टेज से ज्यादा फास्ट डिके करेगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुई पॉइंट्स, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हुई, तो एक बार यहां तक बताएंगे कि सर यहां तक पॉइंट्स जो है वो क्लियर है, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। हरे राम कह रहे हैं, यस सर, ओके, चलो ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, चलो आगे की बात कर लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट है पावर डिसिपेटेड इन आर। तो हम बात करेंगे पावर डिसिपेटेड इन आर, ठीक है, कितना पावर खर्च हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है आर में। तो जस्ट सिंपल इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, पावर का जो फॉर्मूला होता है, करंट का क्या ले लो, होल स्क्वायर ले लो इनटू आर। तो यहां से क्या आ जाएगा, पावर डिसिपेटेड, तो करंट का इक्वेशन कितना है, करंट का इक्वेशन कितना आया हुआ है हमारे पास, दैट इज वी नॉट बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का क्या करो, होल स्क्वायर इन टू आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनिशियल वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर इन टू आर, इन टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू टी बाई टाउ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बाई टू, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ दे सकते हैं कि जो पावर का टाइम कॉन्स्टेंट है वो भी क्या है, टाउ बाई टू है। तो जिस रफ्तार से डिके जो है वो पावर करेगा, उसी रफ्तार से एनर्जी भी करेगा, ठीक है। दोनों का टाइम कॉन्स्टेंट टाउ बाई टू है,
तो यहाँ पे पावर जो डिसिपेट होगा रेजिस्टर के क्रॉस वो कितना आ रहा है, वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए टू द पावर माइनस टी बाई टाओ बाई टू। ओके, तो पावर एनर्जी का दोनों का ही टाइम कॉन्स्टेंट सेम होने वाला है, दैट इज द टाओ टाओ बाई टू, दैट इज द टाओ बाई टू। तो इस चीज़ का केयर करेंगे कि अगर किसी एग्जाम के अंदर आ गया कि बताइए कि जो पावर डिसिपेटेड इन आर होगा और जो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दोनों का टाइम कॉन्स्टेंट कितना होने वाला है, दैट इज द टाओ बाई टू। ओके, टाओ बाई टू। फिफ्थ पॉइंट है एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है किसमें, आर के क्रॉस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी होता क्या है, एनर्जी होता क्या है, अभी हमने पावर की बात की, अभी हमने पावर की बात की सर कि पावर जो है कितना डिसिपेट होगा आर के क्रॉस। तो एनर्जी का क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर, एनर्जी का क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये जानते हैं कि जितना जितना कैपेसिटर एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी लॉस बाय द कैपेसिटर, उतना जो एनर्जी डिसिपेट होगा किसमें, आर में। जितना कैपेसिटर जो है एनर्जी को लॉस्ट करेगा, ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट था जहाँ पे सोर्स फ्री सर्किट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इनिशियली वो चार्ज है, कोई भी सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब जैसे टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच को कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर विल स्टार्ट द डिलीवरिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई, लेकिन इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी नो दैट जितना जितना एनर्जी लॉस्ट होगा कैपेसिटर के द्वारा, जितना एनर्जी लॉस्ट होगा बाय कैपेसिटर, वो जो है वो एनर्जी डिसिपेटेड इन कहाँ होगा, आर में होगा। जितना एनर्जी लॉस्ट होगा कैपेसिटर के द्वारा, उतना ही एनर्जी डिसिपेट होगा कहाँ पे, आर के क्रॉस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। ओके, इन रेजिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। क्लियर है, चल यहाँ तक क्लियर हो गया कि सर एनर्जी जितना लॉस्ट होगा कैपेसिटर के द्वारा, ठीक है, उतना ही एनर्जी डिसिपेट होगा किसमें, आर में। तो इसका मतलब एक बार अगर एनर्जी हम निकाल ले कि कितना कैपेसिटर एनर्जी को लॉस्ट कर रहा है किसी भी टाइम टी पर, ठीक है, तो कितना लॉस्ट किया बाई कैपेसिटर अगर हम इस चीज़ को निकाल लें, तो हम बात कर सकते हैं सर एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। ओके, तो जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस्ट बाई कैपेसिटर। तो जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वॉट इज द एनर्जी लॉस्ट बाई कैपेसिटर किसी भी समय पर, ठीक है, तो किसी भी टाइम पर कितना एनर्जी को लॉस कर रहा है कैपेसिटर। तो हम जानते हैं कि लॉस होता क्या, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितना है एनर्जी, कितना इनिशियली जो है वो कैपेसिटर के अलावा कितना एनर्जी था, हाफ सी, और इनिशियल वोल्टेज था वी नॉट का होल स्क्वायर, और ये इनिशियल एनर्जी है, माइनस क्या करोगे फाइनल, तो हाफ किसी भी टाइम पर क्या करो, वी सी टी ले लो, हाफ सी वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ के बाद क्या करोगे, हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस हाफ सी, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की अभी हमने बात की थी, वी नॉट ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर ए टू द पावर माइनस टी बाई टू टाउ। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो इतना एनर्जी हम कहेंगे कि लॉस्ट किया कौन कैपेसिटर किया, इतना एनर्जी को लॉस्ट किया कौन कैपेसिटर किया, ठीक है, इतना एनर्जी को लॉस्ट कौन किया कैपेसिटर किया, इतना एनर्जी को लॉस्ट कौन किया कैपेसिटर किया, ठीक है, सॉरी
यहाँ पे टू नहीं होगा, माइनस ऑफ टू टी बाई टाउ। सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी लॉस्ट बाई कैपेसिटर। तो अगर ये डाटा पता चल जाए तो हम बात कर सकते हैं बाई एनर्जी कंजर्वेशन, बाई एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज दिस मच एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय द कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। तो इस तरह से हम एनर्जी डिसिपेटेड इन आर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एनर्जी डिसिपेटेड इन आर की बात कर सकते हैं। तो बहुत ही कम लोग जुड़े हैं इस लाइव सेशन में, इतना इंपॉर्टेंट सेशन था। तो ओवरऑल आज के हम लोग सेशन में हमने क्या क्या बात किया, आज के सेशन में हम लोग बात किए कि सर सोर्स फ्री सर्किट होता क्या है, कि सोर्स फ्री सर्किट फर्स्ट सोर्स सर्किट होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, जहां पर सिर्फ एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता है, कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं होता है, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या बात करने वाले हैं, दैट इज द सोर्स फ्री आरसी सर्किट बात की, जहां पर सिर्फ एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, दैट इज द कैपेसिटर वाली। तो इनिशियली जो है वो कैपेसिटर चार्ज है बाई वोल्टेज वी नॉट। तो जैसे ही टी इक्वल टू जीरो पे स्विच हम क्लोज करेंगे, द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिलीवरिंग द एनर्जी इन टू द सर्किट। तो यहाँ पे करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करते हुए दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए करंट के इक्वेशन को हमने लिखा है माइनस के टर्म में, दैट इज द माइनस ऑफ सी डीवीसी बाई डीटी। जस्ट अप्लाई द केवीएल, यू विल गेट दिस इक्वेशन, दैट इज डीवीसी बाई वीसी इक्वल टू माइनस डीटी बाई आरसी। ओके, अब यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड वी कैन इजिली फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ जाएगा, दैट इज किसी भी टाइम पे वी नॉट इट इज पावर माइनस वन बाई आर सी इंटू टी। तो यहाँ पे ग्राफ को देखोगे तो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टाउ जो है वो टाइम कॉन्स्टेंट कहलाता है। टाउ क्या कहलाता है, टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट, दिस इज कॉल्ड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट विच इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। आर एंड सी अभी हम आई क्लास में बात करेंगे कैसे टाउ निकाला जाता है, अलग अलग सर्किट में किस तरह से हम लोग टाउ को निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाई टाउ, टाउ होता क्या है। टाउ एक ऐसा समय है जहाँ पे नेटवर्क का आउटपुट 36.78% पहुंचता है इनिशियल वैल्यू का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जस्ट एक टेबल हमने बनाया, डिफरेंट डिफरेंट समय पर हम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की बात की है, ठीक है। जैसे टी इक्वल टू टाउ पे इतना आएगा, टू टाउ पे इतना आएगा, थ्री पे इतना आएगा, फोर फाइव पे इतना आएगा, ठीक है। तो जस्ट हम देख रहे हैं कि टाउ एक ऐसा समय है जहाँ पर आउटपुट ऑफ ए नेटवर्क या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आया हुआ है, 36.78% ऑफ इनिशियल वोल्टेज, दैट इज द वी नॉट, ओके। और सेटलिंग टाइम यहाँ पर फाइव टाउ है, क्योंकि इस समय के बाद नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से सेटल्ड हो चुका है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कि सर्किट के अंदर कैसा बिहेवियर आया है, स्टेडी स्टेट वाला बिहेवियर आया है, ठीक है। चलो तो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइव टाउ इज द सेटलिंग टाइम, फाइव टाउ इज द सेटलिंग टाइम, जहां पर नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से सेटल हो चुका है, ठीक है। जहां पर आउटपुट ऑफ ए नेटवर्क जो है वो 0.63% है इनिशियल वोल्टेज वी नॉट का, ठीक है। चलो तो आई की बात करते हैं, हमने करंट की बात की, यहाँ पे करंट को हमने फाइंड आउट किया, दैट इज द वी नॉट बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। जस्ट सिंपल माइनस सी डी वी सी बाई डी टी कर लो। और उसी तरह से इसका ग्राफ हमने देखा, चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात कर ली, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात कर ली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर जो टाइम कॉन्स्टेंट है ना वो टाउ बाई टू है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो एनर्जी डिके करेगा वो फास्टर करेगा देन द वोल्टेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जब यूज करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टाउ है ना वो टाउ बाई टू बन चुका है। तो एनर्जी केस में जो टाउ है वो टाउ बाई टू बन चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम कॉन्स्टेंट चलो ठीक है टाउ बाई टू है, इसका मतलब क्या है, रियल मीनिंग इसका ये है कि एनर्जी विल डिके फास्टर एज कम्पेयर टू वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का टाइम कॉन्स्टेंट टाउ था, लेकिन एनर्जी का टाइम कॉन्स्टेंट टाउ बाई टू आया हुआ है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा डिके करेगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज। तो पावर की हम बात कर सकते हैं इस तरह से, तो पावर में भी यहाँ पे टाउ जो है वो टाउ बाई टू आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, अभी हमने पावर की बात की, अभी हमने पावर की बात की इन डिसिपेटेड इन आर। एनर्जी को कैसे ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पावर, पावर कर लो, या तो ये फॉर्मूला लगा लो एनर्जी निकालने के लिए कि एनर्जी डिसिपेटेड आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से जितना कैपेसिटर जो है एनर्जी को लॉस करेगा। क्योंकि एक बार जब टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच को क्लोज कर रखे हैं तो कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है, एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को डिलीवर कर रहा है सर्किट के अंदर। तो जितना एनर्जी लॉस्ट करेगा कैपेसिटर उतना ही एनर्जी डिसिपेट होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। या तो इस वाले कंसेप्ट से निकाल लो, या तो इंटीग्रेशन कर लो पावर का, जो अभी हमने पावर डेवलप किया, ठीक
ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम एनर्जी की बात कर सकते हैं, या तो ये कर लो एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि एनर्जी लॉस बाय कैपेसिटर निकालने वाले हैं। तो कितना लॉस हुआ एनर्जी का बाय कैपेसिटर, तो जस्ट लॉस के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल के लिए क्या करो, हाफ सी वी, इनिशियल वोल्टेज वी नॉट है तो वी नॉट का होल स्क्वायर, किसी भी टाइम पे हम वोल्टेज की बात कर सकते हैं, दैट इज वी नॉट इट पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। तो जस्ट इनिशियल माइनस फाइनल कर लो तो यहाँ से पता चल जाता है कितना एनर्जी लॉस हो रहा है कैपेसिटर के द्वारा, और इतना ही एनर्जी डिसिपेट होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस बाय द एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन से। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो कल की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे सोर्स फ्री, ओके सोर्स फ्री, ध्यान सुनना, सोर्स फ्री आरएल सर्किट। अब जैसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, अब हम बात क्या करेंगे, सोर्स फ्री आरएल सर्किट। ठीक है, तो वहाँ भी एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, दैट इज द इंडक्टर। ओके, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोर्स फ्री आरएल सर्किट, तो वहाँ भी अगेन सोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले सेशन में रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। चलो बिफोर एंडिंग द सेशन, हमारा सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।